कानपुर में लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने नई पहल शुरू की है। पश्चिम जोन के सभी थानों में उड़न दस्ते बनाए गए हैं, जिससे सादे कपड़ों में तैनात पुलिस जवान लुटेरों पर नजर रखेंगे और मॉर्निंग वॉकर्स को सुरक्षा का एहसास भी कराएंगे। इस अभियान की शुरुआत डीसीपी पश्चिम विजय ढोल ने की है। कानपुर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बढ़ रही लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए ये उड़न दस्ते बनाए गए हैं, जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में, मॉर्निंग वॉक वाले इलाकों में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही सभी थाना क्षेत्र में सुबह शाम चेकिंग करेंगे। बताते चले कि पूर्व में हुई लूट की घटनाओं के चलते पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, इसके बाद अब यह एक्शन लिया गया है। नहीं, बहुत अच्छा है और अच्छा काम है, शुरुआत बहुत अच्छी है, क्योंकि सवेरे चैंस चेक वगैरह भी होती है और सुरक्षा रहती है, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत आश्वासन मिलेगा। वैसे तो अच्छी चीज है, बस ये है कि इसको रेगुलर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं 6 महीने गायब हो गए तो क्या होगा। हालांकि 4-6 दिन पहले आई थी 3 सब इंस्पेक्टर थे केवल, जो चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, मेरी बातचीत हुई थी, तो थोड़ा सा दहशत तो होती है अपराधियों में, लेकिन रेगुलर होता रहे तो अच्छा रहे। कानपुर में लूट और चेन स्नेचिंग की वारदातें अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मॉर्निंग वॉकर्स लुटेरों के शिकार बन रहे हैं, यही वजह है कि पुलिस ने अब ऑपरेशन प्रभात प्रहरी की शुरुआत की है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीमें सुबह सुबह पार्कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर पहुंच रही हैं और लोगों को सुरक्षा का एहसास करा रही है। पार्क के आसपास गली मोहल्लों पर भी पुलिस की टीम तैनात रहती है, जिससे किसी भी तरीके की लूट की वारदात अगर हो भी जाती है तो पुलिस एक्टिव रहते हुए इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों को पकड़ सके और कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षा का एहसास दिला सके। यही वजह है कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक पुलिस की विशेष टीमें पार्कों, सार्वजनिक स्थानों पर तैनात की जा रही हैं, जिससे इस तरीके की वारदातों को रोका जा सके। दरअसल कानपुर में पिछले दिनों लगातार ऐसी वारदातें सामने आई कि मॉर्निंग वॉक करके लौट रहे लोगों को लुटेरों ने अपना शिकार बनाया, उनका चेन, उनका कीमती सामान लूट करके लुटेरे फरार हो गए, जिसके बाद कानपुर पुलिस ने फैसला लिया है कि पुलिस की एक टुकड़ी हर थाना क्षेत्र में तैनात की जाएगी, जिसमें कुछ जवान शामिल रहेंगे। कुछ पार्कों को चिन्हित किया गया है, कुछ सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित किया गया है, ऐसे स्थान जहां पर सुबह गतिविधियां होती हैं, लोग दूध लेने के लिए जाते हैं, लोग सब्जी लेने के लिए जाते हैं, ऐसे स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कानपुर के एक पार्क में पुलिस पहुंची है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रही है। गली मोहल्लों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा अधिकारी लोगों के बीच जाकर के उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि अगर उनके साथ किसी तरीके की घटना हो जाती है तो वो पुलिस का सहयोग किस तरीके से ले सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एसीपी कल्याणपुर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पूरा जो अभियान है उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये पूरा अभियान क्या है और किस तरीके से इसको अमल में लाया जा रहा है। बात करते हैं एसीपी से। सर, ये बताइए कि ये जो पूरा अभियान है किस तरीके से शुरू किया गया और इसका क्या उद्देश्य है। ये जो सुबह मॉर्निंग में आप देख रहे होंगे, लगातार लोग टहलने जाते हैं अपने आसपास पार्क में, तो कई जगह ये देखा जा रहा है कि मॉर्निंग में चेन स्नैचिंग वगैरह की घटनाएं हो जा रही हैं। क्योंकि हमारी टीम तो पहले भी सुबह काम करती रही है, लेकिन इसको और भी विस्तार और भी मतलब ऑर्गेनाइज वे में इसको शुरू किया गया है। इसमें वर्दी के साथ टीम के साथ कुछ टीमें लगी होती हैं जो इनफॉर्मल कपड़ों में होती हैं, वो ये ऑब्जर्व करती हैं कि पार्क के अगल बगल या कोई ऐसी गली है सुनसान या जहां मूवमेंट है, कोई आ जा नहीं रहा है, वहां कोई संदिग्ध जा रहा हो या कोई मान लीजिए सुबह सुबह मुंह बांध के जा रहा हो, या सब लोगों के पास, इन टीमों के पास पुराने जो चेन स्नैचर और तमाम लोग हैं उनके फोटो वगैरह भी शेयर किए गए हैं, पुरानी घटनाओं के फुटेज ये लोग रखे हुए हैं, जो ये देखते रहते हैं कि कहीं कोई इस तरह का संदिग्ध आदमी जो इस तरह की घटना कर सकता है या कोई उसमें चिन्हित ही आदमी हो जो पुराना आदमी हो, तो ऐसे लोगों पे नजर रखते हैं। हमारा मेन काम है कि जो सुबह हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे साथ हम उम्र के लोग हैं जो टहलने जा रहे हों, उनकी सुरक्षा के लिए और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक ऑपरेशन प्रभात प्रहरी के नाम से एक अभियान वेस्ट जोन में शुरू किया गया है और इस पे हम लोग, यही है जो आप देख रहे हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि अगर उनके साथ कोई घटना हो जाए तो किस तरीके से पुलिस की मदद ले सकते हैं।
जी, इसमें हम लोग इस चीज पे भी लोगों पे फोकस कर रहे हैं कि पुलिस के लोग, इससे पहले आप जान रहे होंगे कि सीपी सर ने यहाँ पे एक बीपीओ, नो योर बीपीओ करके एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें लगभग लगभग हर मोहल्ले और उसमें जो वहाँ का बीट पुलिस ऑफिसर है उसके नंबर उनके नाम सहित लगे हुए हैं। तो ये चीजें बताई जा रही हैं कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो 112 तो हमारे पास है ही, साथ में लोकल स्थानीय जो पुलिस है जो उनसे जुड़ी हुई है उनसे तुरंत बात करके उनको बुलाया जा सकता है। हमारी जो टीम है सुबह टहल रही है वो भी तुरंत उपस्थित हो जाएगी। कुछ ऐसे भी हैं जैसे अभी योग दिवस आ रहा है तो तमाम पार्कों में इस तरह के लोग आएंगे और इस तरह के आयोजन होंगे, उस समय भी ये हमारी टीम रहेगी, जागरूकता के कार्यक्रम करेगी और लोगों को सचेत करेगी और इसमें ये बताएगी कि क्या सावधानियां अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उनको बरतनी है, क्या स्टेप उठाना है, या कोई संदिग्ध दिखता है तो उन्हें कैसे पुलिस को इन्फॉर्म करना है। ये सब चीजें एक इस ऑपरेशन प्रभात प्रहरी के तहत हमने ये शुरू किया है। तो ऑपरेशन प्रभात प्रहरी की शुरुआत की गई है कानपुर में, जिसके तहत लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया जा रहा है। ऐसे लोग जो सुबह घरों से बाहर निकलते हैं वो सुरक्षित रहें, उनको उनके लिए पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि उनके साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो वो पुलिस की मदद किस तरीके से ले सकते हैं। कानपुर के तमाम पार्कों में इसी तरीके का नजारा अब सुबह देखने को मिलता है। पुलिस लोगों के बीच में जाती है, उन्हें गुड मॉर्निंग बोलती है और साथ ही साथ उन्हें बताती है कि वो अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके साथ कोई घटना हो जाए तो वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सके, कैसे घटना की जानकारी पुलिस को दें जिससे अपराधियों को पकड़ने में मदद मिल सके। के साथ और यारों के मौजूद से ब्रेक के लिए बने रहे न्यूज़ स्टेट के।